हाय गाइस, मेरा नाम है संदीप और ये है एवोल्यूशन एक्स का 7.1 एंड्रॉयड 13 अपडेट पोको X3 प्रो के लिए, जिसके अंदर आपको और इंटरेस्टिंग फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि इस बार इवॉल्वर के अंदर ऐड हो चुके हैं। चलो वीडियो स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो या फिर रेगुलर व्यूअर हो, और उसके साथ वीडियो को लाइक कर देना। सबसे पहले बात करेंगे अबाउट फोन पेज की। तो यहाँ पे आपको मिलता है एंड्रॉयड वर्जन 13, एवोल्यूशन एक्स का वर्जन 7.1, ईव वायु ऑफिशियल अपडेट है, सितंबर का सिक्योरिटी पैच लेवल है, कारी लाइट केटो नेम से कर्नल आपको मिल जाता है जो कि सितंबर 20 से अपडेटेड है, और यहाँ पर सिलनिक स्टेटस आपका एनफोर्सिंग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्विकली चेक करते हैं आपका जो डिवाइस वो सर्टिफाइड है, वाइड L1 है, Google Photos के अंदर स्पूफिंग आपको मिलेगी, मैक्सिमम चार्जिंग स्पीड 4000 मिलीएम्पियर के आसपास जाने वाली है जो कि पहले पहुंच जाती थी 5000 अबव, और यहां पर इस बार मेरे को मैक्सिमम 4000 तक ही देखने को मिली है। एंड चार्जिंग के टाइम में मैक्सिमम टेम्परेचर 38 के आसपास मेरे को मिला, और सीपीयू थ्रॉटलिंग ग्राफ की बात करें तो 93% तक सीपीयू थ्रॉटल होता है, 211000 के आसपास मैक्सिमम GIPS है, एंड एवरेज है 202000 के आसपास। और बैटरी कंजप्शन की बात करें, बिल्कुल अगर आप नॉर्मली यूज करना चाहते हो बिना गेमिंग बिना हैवी टास्क के, तो मैक्सिमम एक्टिव ड्रेन जाएगा 8-9% पर आर के आसपास, आइडल ड्रेन आप देख सकते हो काफी कम है, उसके बाद डीप स्लीप यहां पर वर्किंग है। सो बैटरी परफॉर्मेंस काफी अमेजिंग है इस रोम की। गीकबेंच के स्कोर्स आप यहां पे देख सकते हो, ये स्कोर्स आपको मिल जाएंगे, और थर्मल प्रोफाइल्स मैंने इनेबल कर रखी हैं इवन वाइड लेफ्ट टेस्ट को भी चेक करने के लिए। उसके बाद यहां पर स्टॉक कैमरा ये वाला आपको मिल जाता है, और अगर आप कोई और जी कैम ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो, वो भी आपके लिए ऑप्शनल चीज है। अब जो है रोम के अंदर जो है मैं आपको स्मूथनेस चेक करवाता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्विक सेटिंग पैनल के अंदर कोई लैग आपको देखने को नहीं मिलता, बट जो स्टेटस बार है या फिर जो आपका क्विक सेटिंग पैनल है वो पूरा डार्क मोड के अंदर मिलेगा। ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन की स्पीड आप देख सकते हो कुछ ऐसी आपको मिलेगी, सो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। जो ऑप्टिमाइजेशन है वो काफी अच्छी है, जो UI का एक्सपीरियंस है वो काफी अच्छा आपको देखने को मिल जाता है इन टर्म्स ऑफ एनिमेशन या फिर ऐप ओपनिंग क्लोजिंग, वो आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस देता है। लेफ्ट साइड में जो गूगल कार्ड है उसके साथ भी आप यहां पर ऑप्टिमाइजेशन देख सकते हो, काफी अच्छी आपको ऑप्टिमाइजेशन यहां पर भी देखने को मिलती है। इवन जो इसका सर्च विजिट है ना, जो आपको यहां पर सिस्टम वाइड सर्च मिलता है, वो वेब के रिजल्ट्स भी आपको शो करता है। नाउ सेटिंग्स के अंदर सबसे पहले डिवॉल्वर को चेक करेंगे, और यहाँ पर आपको थीम्स के अंदर विविड का ऑप्शन मिल ही जाता है, हेडलाइट बॉडी फॉन्ट्स आइकन पैक्स वगैरह सब कुछ सेम मिल जाते हैं। उसके बाद स्टेटस बार के अंदर आप देखोगे तो लोगो का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर है जिसमें ज्यादा कस्टमाइजेशन ऐड नहीं की गई, बैटरी स्टाइल्स आपको काफी सारे मिल जाते हैं, वॉल्टी आइकॉन की कस्टमाइजेशन भी अभी ऐड नहीं की गई, और कलर्ड आइकॉन्स का ऑप्शन है। नोटिफिकेशन के अंदर आओगे किल लैब बटन और इन कॉल वाइब्रेशन ऑप्शंस हैं। क्विक सेटिंग के अंदर क्लॉक है, उसके बाद जो बैटरी स्टाइल्स है यहां पर भी देखोगे तो कितने ज्यादा आपको ऑप्शन मिलते हैं, बैटरी एस्टीमेट है, और यहां पे आप देखोगे तो जो स्मार्ट पुल डाउन है वो भी ऐड हो चुका है। देन ब्राइटनेस की आपको यहां पर जो है कस्टमाइजेशन मिलेगी, डेटा यूसेज का ऑप्शन यहां पर मिलता है, पावर मेन्यू में एडवांस रीस्टार्ट मिलेगा। जेस्चर्स की बात करें यहां पर आपको जो है स्वाइप टू स्क्रीनशॉट मिलता है, डबल टैप का ऑप्शन है, और यहां पर पिल की लेंथ इंक्रीज करने का और पिल का रेडियस इंक्रीज करने का ऑप्शन ऐड हो चुका है। देन स्पेस अंडर द कीबोर्ड का ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाता है, और बैक आएंगे तो यहां पर जेस्चर्स आपको मिलेंगे डबल टैप वाले, लॉक स्क्रीन और स्टेटस बार दोनों के अंदर। बटन्स के अंदर आप देख सकते हो पर है वॉल्यूम कंट्रोल्स हैं, और उसके बाद एनिमेशंस में स्क्रीन ऑफ एनिमेशन है, यहां पर गेम स्पेस है, अनलिमिटेड जो स्पूफिंग वाले ऑप्शंस है वो मिलेंगे, जिटर का ऑप्शन ऐड हो चुका है, और टेम्परेचर वार्निंग वगैरह हमने पहले भी चेकआउट कर रखा है। अब एप्स में गेम स्पेस यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा, बैटरी के अंदर स्टैट्स आपको फिलहाल फाइनली एंड्रॉइड 12.1 वाले मिल जाते हैं जो कि 24 आवर्स का आपको देखने को मिलेगा, और इसको आप यहां से इनेबल कर सकते हो। थर्मल प्रोफाइल्स आपको मिलेंगी, साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर पर है वॉल्यूम कंट्रोल है, डायरेक्ट साउंड इनहेंसर में हाईफाई ऑडियो का भी ऑप्शन मिलेगा, साइलेंट मीडिया म्यूट का ऑप्शन है, और हैप्टिक फीडबैक की इंटेंसिटी आप कम ज्यादा कर सकते हो। डिस्प्ले के अंदर आपको यहां पर ऑलमोस्ट सभी वही ऑप्शंस मिलेंगे जिसमें आप चेक करोगे तो कलर्स है, लाइव डिस्प्ले में कलर कैलिब्रेशन मिलेगा, और रिफ्रेश रेट आपको 30-120 के बीच में देखने को मिलता है, हाई टच पोलिंग रेट है, टैप टू वेक है, प्रिवेंटल एक्सीडेंटल वेकअप है, और डिस्प्ले कलर कैलिब्रेशन आपको मिलेगा। उसके बाद एम्बियंट डिस्प्ले फीचर्स मिलते हैं, और पर ऐप रिफ्रेश रेट का भी ऑप्शन है, और वॉलपेपर एंड स्टाइल के अंदर मैक्सिमम ग्रिड्स 5x5, और जो यहां पर सिक्योरिटी का ऐप है वो एंड्रॉइड 12.1 से अपडेट हो चुका है जो कि पहले काफी मिनिमल था, सो ये अपडेट हो चुका है। और फाइनली अपडेटर भी आपको मिलता है OTA अपडेट्स चेकआउट करने की। तो अगर आप पूछना चाहते हो BGMI आपको कैसे मिलती है यहां पर अगर आप 90 FPS के ऊपर खेलोगे,
तो मैं बोलना चाहूंगा ये रोम स्पेशली बीजीएमआई के लिए आपको नहीं मिलती, या फिर इसको ऑप्टिमाइज नहीं किया गया बीजीएमआई के लिए। अगर आप जो है इस रोम को यूज ही करना चाहते हो तो मेन दो तीन प्रेफरेंसेस है जो कि मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले स्मूथनेस है, उसके बाद यहां पर आपको जो है बैटरी लाइफ काफी अच्छी देखने को मिल जाती है, और काफी सारे फीचर्स भी हैं, कस्टमाइजेशन है, और एंड्रॉयड 13 के ऊपर भी बेस्ड है और काफी स्टेबल हो चुकी है। अगर आप इसको एज ए डेली ड्राइवर अभी के टाइम में यूज करना चाहते हो तो आप निराश नहीं होने वाले, काफी सारी चीजें काफी अच्छे से वर्किंग है, कोई प्रॉब्लम मेजर आपको नहीं आने वाली। हालांकि कुछ मॉडेड एप्स में भी आपके वर्क ना करें, और वो इशू तो मैं भी फेस कर रहा हूं एंड्रॉयड 13 के ऊपर, बट ओवरऑल जो रोम है वो काफी अच्छी है, बट गेमिंग उतनी अच्छी आपको यहां पर नहीं मिलती 90 FPS के अंदर। फ्रेम ड्रॉप्स होते हैं बीच बीच में, टच रिस्पॉन्स उतना अच्छा मेरे को नहीं लगा। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, पसंद आए तो प्लीज लाइक करके जाना, सब्सक्राइब कर देना, और मिलेंगे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।